जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आपको पता ही होगा कि पोको ने अपने M5 को परफॉर्मेंस को टारगेट करते हुए लॉन्च किया है हेलियो G99 के प्रोसेसर के साथ में। और आज इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं पोको M5 वर्सेस आईको G6 44 वोल्ट जो कि 4G वेरिएंट है। तो दोनों का ही डिटेल एक्सपीरियंस कंपैरिजन करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की। आपको डिस्क्रिप्शन हो रहा होगा, यहाँ पे आपको 12,000 में देखने को मिल जाता है 12.5 में पोको, लेकिन 14,500 से लेकर 14,500 के बीच में मिलता है आपको यहाँ पे आईको G6 44 वोल्ट। प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो भाई आप खुद देख लेना अपने आपसे, लेकिन दोनों ही फोन्स के प्राइसिंग में आपको आईको महंगा मिलता है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो पोको में आपको 6.58 इंच फुल HD प्लस 90Hz की IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, और नॉच भी है। यहां पे आपको 6.44 इंच फुल HD प्लस 60Hz की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, और यहां पे भी नॉच देखने को मिलती है आईको में। दोनों ही फोन्स में नॉच है, एक 90Hz के साथ में IPS है और एक 60Hz के साथ में AMOLED है। डेफिनेटली AMOLED डिस्प्ले बेटर रहेगी, 60Hz और 90Hz में इतना ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। चलिए भाई कैमराज की बात करते हैं। कैमरा आपको पता है भाई काफी लोगों को नीड होती है एक अच्छे कैमराज की, उस हिसाब से मैं आपको पोको तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको 50+2+2 8 megapixel का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और यहाँ पे 50+2+2 16 megapixel का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको पोको से दोनों ही कैमरा बेटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको आईको में 50 megapixel प्राइमरी कैमरा भी आपको आईको वाला बेटर मिलेगा, सेल्फी कैमरा भी आपको आईको वाला बेटर मिलेगा। दोनों ही फोन्स की बैटरी की अगर बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलती है 5000mAh, लेकिन 18 वोल्ट आपको पोको में और 44 वोल्ट जैसे कि नाम में ही आपको 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है आपको आईको में। तो वो डेफिनेटली कह सकता हूँ 18 वोल्ट यहाँ स्टैंड करता है और 44 वोल्ट बहुत ऊपर स्टैंड करता है, तो उस हिसाब से प्लस पॉइंट भाई आईको को मिलता है। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक पे कि भाई किसकी प्रोसेसिंग अच्छी है, किसमें गेमिंग अच्छी है, और भाई कह सकता हूँ प्रोसेसर कौन सा देखने को मिलता है। तो दोनों ही 4G फोन है। पोको में आपको मीडियाटेक हेलियो G99 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 3,70,000 के करीब एंटूतु स्कोर आते हैं। स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिलता है आईको में, 2.5 लाख से लेकर 2,70,000 के करीब एंटूतु स्कोर आते हैं। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, पोको M5 आपको स्टार्टिंग में 11,000 से देखने को मिलता है। तो मैं डेफिनेटली 11,000 में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 15,000 rupees इस फोन को कह सकता हूँ। परफॉर्मेंस भाई पोको की बहुत ज्यादा बेटर है। दोनों ही फोन्स के अगर कुछ अदर फीचर्स की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको 3.5mm जैक देखने को मिलता है। पोको में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलता है आपको आईको में। चलिए अब बात करते हैं भाई लास्ट ओपिनियन की के कौन सा फोन बेटर है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट में मैंने आपको दिखाया था कि 11,000 रुपये में आपको 4+64 पोको M5 मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन। जिनको भी भाई 11,000 में फोन चाहिए, चाहे वो ओवरऑल पैकेज हो चाहे वो गेमिंग के लिए हो, ये वाला फोन बाय कर सकते हो, क्योंकि 10,000 के 11,000 के हिसाब से एक बेस्ट फोन है। 15,000 के अगर आप करीब करीब पहुंच जाते हो तो फर्स्ट सजेशन रहेगा बहुत जल्दी 5G आने वाला है, तो एक 5G फोन रो आपको वीडियो आई बटन में देखने को मिल जाएगी 10,000 के करीब, क्योंकि अच्छे फोन नहीं मिलते। तो आप हो सकता है तो 15,000 तक या तो शिफ्ट हो जाओ, बजट बढ़ा लो अपना, नहीं तो भाई पोको M5 ले सकते हो। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूं तो आपसे ऐसे ही अमेजिंग अगली वीडियो में।